राधे राधे दोस्तों दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही काम की आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर ही वाटर बेल कैसे लगा सकते हो, वो भी बिना किसी मिस्त्री को बुलाए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट काम आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वाटर बेल क्या होती है और किस काम आती है। एक्चुअली जब भी हम कभी अपने घर में मोटर चलाते हैं, छत पर जो हमारी पानी की टंकी होती है और मोटर चला के उसको भरते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मोटर चलती रहती है और पानी की टंकी भर जाती है। पानी की टंकी भरने के बाद क्या होता है कि जो ओवरफ्लो का सिस्टम होता है वहाँ से पानी निकलने लग जाता है और बहुत ज़्यादा पानी जो है वेस्ट हो जाता है हमारा। तो वाटर बेल उसमें क्या काम करती है, वाटर बेल ये काम करती है कि जब भी आपकी पानी की टंकी भर जाएगी तो ये अलार्म जो है बज जाएगा और आप जान जाएंगे कि आपकी पानी की टंकी भर गई है और आप मोटर को बंद कर देंगे, जिससे हमारे क्या होगा, बिजली की बचत भी बच जाएगी और पानी की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि हम इस वाटर बेल को घर पर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्त्री की मदद से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मुझसे सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो से बेनिफिट उठा पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें जो है दो तार दी हुई होती हैं, एक होती है ऊपर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे दो वायर और एक होती है इसमें कुछ इस तरीके की मेन वायर। ये मेन वायर और ये दो छोटे छोटे वायर है, इनको हम कैसे इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। वैसे दोस्तों, मैंने जो है अपने घर पर ऑलरेडी ये वाटर अलार्म सेट कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और पूरी एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँगा कि ये वाटर अलार्म कैसे सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने घर की छत पर, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसकी वायरिंग जो है कैसे होती है। बिल्कुल ईजी वायरिंग है, किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने घर की छत पर और आप यहाँ पर ये टंकी देख पा रहे हो, हमारे घर पर छत पर ये टंकी पड़ी है और ये जो सिस्टम है, यहाँ से अगर टंकी जो फुल भर जाती है तो ये पाइप जो है ओवरफ्लो का पाइप है, यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे होगी। सबसे पहले देखिए, वायर आपको लेनी है, हल्की वायर लेनी है, कोई आपको हैवी वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो वायर के दो सिरे होंगे, डबल वायर इसको फ्लेक्सिबल वायर कहते हैं, आप फ्लेक्सिबल वायर ले सकते हैं, फ्लैट वायर ले सकते हैं। इनमें क्या होती है, दो तार होती है, एक लाल एक काली, या कैसे भी दो वायर होंगी, ठीक है, एक के अंदर ही दो वायर होती हैं। अब दोनों वायर को आपको आगे से छील लेना है। ये ध्यान रखना है कि आपको वायर जो है कॉपर में लेनी है, एलुमिनियम में नहीं लेनी। अगर आप एलुमिनियम में वायर लोगे ना, तो क्या होगा, ये जो एलुमिनियम है, जो जहाँ मैंने आगे से उसको छील रही, ये पार्ट अगर एलुमिनियम का होगा तो यहाँ पर जो है जंग लग जाएगा और जिसके कारण पानी इसके ऊपर लेयर आ जाएगी जंग की और पानी पे टच नहीं हो पाएंगे तो और वाटर अलार्म आपका काम नहीं करेगा। अब ये आपको कॉपर की लेनी है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, जैसे वायर आप छीलेंगे तो एक वायर बड़ी और एक वायर थोड़ी पीछे से कट करके उसको फिर छील लें, यानी कि छोटी बड़ी वायर कर लेनी है, दोनों बराबर वायर नहीं करनी। सबसे पहली मेन बात ये है, दोनों वायर आपको बराबर नहीं छीलनी, एक वायर आपको छोटी कट करके फिर छीलनी है, तो ये आगे पीछे हो जाएंगी। अब उसको क्या करना है, वायर को आप जो ओवरफ्लो का पाइप है उसके अंदर डालेंगे, ये इतनी आपको डालनी है कि आपका टंकी में आ जाए वायर और टंकी से थोड़ी सी नीचे यहाँ तक आ जाए, यानी कि ओवरफ्लो के पाइप से थोड़ी नीचे यहाँ पर वायर आ जाए, ताकि पानी की टंकी जो है पानी यहाँ के लेवल, जितनी वायर आप डालेंगे वहाँ के लेवल पे जैसे ही पानी आएगा तो आपका वायर अलार्म बच जाएगा और आपके पानी जो है वाटर फ्लो तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण आपका पानी वेस्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पानी डाल देता हूँ, अब मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ खोल के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरी वायर यहाँ तक आ गई है और पानी जो है अभी इससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। जैसे ही पानी अगर हम और भरते हैं इसे मोटर से लगा के, पानी वायर को टच कर देता है, दोनों वायर को, एक वायर जो है नीचे एक वायर थोड़ी सी ऊपर है, जैसे ही पानी दोनों वायर के लेवल पे आ जाएगा, दोनों वायर टच कर, यानी कि दोनों वायर डूब जाएंगी, चाहे थोड़ी सी भी डूबे तो वायर अलार्म हमारा बच जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और भी कर देता हूँ, उसको डुबो देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यस अब जो है पानी में मैंने वायर जो है डुबो दी है। अब क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको अलार्म बजा के भी दिखाऊंगा। तो अभी क्या हुआ है, अभी मैंने केवल आपको वायर टंकी में डालना सिखाया कि हम कैसे कितना डालेंगे। उसके बाद आपके घर पे जैसे भी फिटिंग हो उस तरह से आप सेट कर लीजिए। मैंने ये देखिए वायर जो है दीवार के साथ साथ लेके जाते हुए ये जा रही है वायर, ये नीचे लेके गया हुआ हूँ। यहाँ पे आपको और कोई काम नहीं है, टंकी में केवल आपको वायर डालनी है, स्टेबल कर देना है ताकि ये हिले ना। यहाँ पर मैंने टेप मार रखी थी, मैंने उतार दी है अभी आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं टेप मार दूंगा तो अंदर भी वायर नहीं हिलेगी और बाहर भी वायर नहीं हिलेगी। ठीक है, मैं दोबारा टेप मार दूंगा और वायर जो है दीवार के साथ साथ नीचे लेके गया हूँ। तो अब जाता हूँ मैं वापस नीचे और आपको बाकी के नीचे का काम भी सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है अलार्म में। तो ये वाली वायर जो है ऊपर से जो वायर आ रही थी वो नीचे आते आते हमारे इस वाटर बेल में अटैच हो गया। कैसे की है, जो ये दो वायर होती हैं वाटर बेल में, ये दो वायर ऊपर से दो वायर आई हैं वो इन दो वायरों में अटैच हो गई। कोई सी किसी में भी अटैच कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो हमने ऊपर वाली वायर इस जो छोटी वायर होती है उनमें अटैच कर दिया। उसके बाद आपको इसे हैंग कर देना है, ड्रिल करके या किसी भी तरीके से आप हैंग कर सकते हैं। और उसकी जो मेन वायर है ये वाली, इसको क्या करना है, इसको हम इधर प्लग में लगा देंगे। कैसे, ये मेन वायर इसको हम प्लग में लगा देंगे, साथ में मोटर का भी प्लग लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे हम मोटर चालू करेंगे तो हमारी मोटर लगी है वो भी एक्टिवेट होगी और बेल लगी है वो भी एक्टिवेट होगी। और जैसे ही हमारी टंकी भर जाती है तो अलार्म बजेगा। मैं एक बार तार में वहाँ पे डूबो के आया था तो आपको पता चल जाएगी अलार्म कैसे बजेगी। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यह देखिए हमारी जो अलार्म एक्टिवेट हो गया और बज भी रही है। देखा आपने जैसे ही वायर पानी, देखा आपने जैसे ही टंकी भर जाएगी, जैसे ही ऊपर की दोनों वायर पानी में डूब जाएंगी तो हमारी अलार्म जो है बच जाएगी। मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा अलार्म काम करेगा। आपको बस ये और ऊपर जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि एक तो ऊपर टंकी में वायर कैसे जोड़नी है, फिर यहाँ पर आके बेल में आपको अटैच कर देनी है, और जो मेन वायर है वो आपको यहाँ पर दोनों एक ही प्लग में देनी है ताकि एक ही स्विच से आपका मोटर और बेल एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है घर पर ही वाटर बेल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।